तो बिहार जो कि राजनीतिक हलचल का बड़ा केंद्र बना हुआ है, वहां से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो दुरुपयोग हो रहा है उसका जनता हिसाब करेगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका जनता हिसाब करेगी। सुनवाते हैं आपको नीतीश कुमार ने क्या कहा है। हरियाली अभियान हम लोगों ने शुरू किया 19 में, तो उसी से मैंने कहा कि जब जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित, तो उसको लेकर के भी सारा काम कर रहे हैं हम लोग। ये सब तो चलेगा, तो उसी सिलसिले में सरकार बदलते ही एक बार आप लोगों पर फिर से जंगल राज का आरोप लगने लगा है। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, कह रहे हैं कि आंकड़ा दिखा रहे हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई। लगाएगा कुछ अंडपट खोलेगा तो उसको पार्टी को कुछ फायदा होगा, आप जानते नहीं। जो भी हम पर बोलेगा तो उससे उसको पार्टी में कुछ फायदा होने की संभावना रहेगी कि पार्टी वाला उसको देगा, या देख नहीं रहे जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था तो वो कुछ बोलते हैं तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका कोई उप कोई मैंने समझिए कि नीचे है वो और ऊपर चला जाए, जिसको कुछ नहीं मिला है उसको और कुछ मिल जाए। अपना चीज है, देखिए ये सब तो किसी का भी बोलना तो बार बार सबको अपना है। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं, हम लोग तो बता दिया है, आखिर हमको ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है। हमारे पार्टी के तमाम लोगों की इच्छा यही है और हमने जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में सबसे अधिक अधिकार दिया उसने कितना गड़बड़ किया, तो सब लोगों की जो इच्छा हो गई तो अंततो गत्वा। और आप देख रहे हैं कोई कुछ बोलता है, और हम तो दोनों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने पूरे तौर पर समर्थन कर दिया, और वो हो जाने के बाद फिर जो सबकी इच्छा हो रही थी हम लोगों के दल में, तो उन लोगों से बातचीत हुई, फिर अन्य दलों के साथ भी बातचीत हुई और मिलकर के तो आप जानते ही हैं कि जो हम लोग एक साथ थे इधर तीन दल, तो उसमें से तो दो निकल गए, अब तो अकेले न है। एक जो उनके साथ भी था उसको तो बाहर करके उसके लोगों को अपने साथ में लिए थे। भाई याद करिए ना 2020 वाला जो, तो अब हम लोग तो बिल्कुल देखिए वो सब अपना इधर है, तो एक साथ मिलकर के काम करना है और बिहार को आगे बढ़ाना है सब मिल करके, और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। बहुत लोग कोशिश करते हैं इधर उधर कुछ न कुछ होता रहे, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता था कि बेकार बिना मतलब की बात है कोई न कोई विषय उठा करके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि समाज में एकदम बिल्कुल ही टकराव हो और उसका फायदा ले। ये सब तो बेकार चीज है। तेजस्वी यादव को जेड प्लस श्रेणी मिला, उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। अरे कहेगा कोई आपत्ति जलाएगा, आप गजब बात करते हैं। किस सीएम है और इतना सब कुछ है तो उसको कहे नहीं मिलेगा, इसलिए ये सब कोई बात अनाप शनाप बोलता रहता है, सब बेकार बात है। अब आगे जो काम होगा उसको देखिएगा। विधानसभा इच्छा न है, फिर तो आप जानते ही ना, फिर तो हाउस है ना, हाउस है तो दे ही दिया है कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री वो आप जानते ही इसीलिए वो अपनी इच्छा है। अरे हम इस सब पर कुछ नहीं कहेंगे और आप सब लोगों को मालूम है नियम और कानून सब चीज को मालूम है। शराब बंद शराब मंत्री बोले कि भय का वातावरण फिर से पैदा होने लगा है। गिरिराज सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि रात को सिनेमा हॉल जाने में डर लगता है। जहरीली शराब से कुछ दिनों में हाल के दिनों में कुछ मौत हुई है, तब जारी ना हर जगह तो हम इसलिए बोलते रहते हैं ना। आप जानते हैं लगातार अभियान चला समाज सुधार अभियान जानते हैं 12 जगह और करके हमने कहा कि हर जगह करिए कोशिश करें, तो धरा न जा रहा है। और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, पियोगे मरोगे, और ये सब करके। और बापू ने जो कहा आजादी की लड़ाई के दिनों में, तो उस समय भी जो कहा हम एक एक घर तक पहुंचा दिए, तो एक एक तरह की बात है, तो देख रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत करें, जो कुछ लोग जो करते हैं तो आप तो जानते ही ना है कि 90% तो एक राय का होता है,
कुछ लोग तो इधर उधर बंद होता ही रहता, हम बताते रहते हैं, लगातार अभियान चला रहे हैं, ये सबके हित में है, इसको छोड़िएगा। और आप देख रहे हैं कि जो शराब पीता था, घर की कितनी स्थिति खराब थी, शराब पीना आम आदमी जो छोड़ा है तब कितना बढ़िया है, घर में कितना अच्छा खाना होता है। अब जरा देख लीजिए सब्जी वगैरह कितना बिक रहा है, कितना अच्छा माहौल बढ़ता चला जा रहा है। तो देख ही रहे ना, एक सर्वे कराए थे कि कितने लोग छोड़े, मतलब 1,84,00,000 हुआ था उस बार। इस बार भी हम कह दिए कि एक सर्वेक्षण और कर लेना चाहिए कि कितने लोगों ने छोड़ा। ये बात तो है, लेकिन आप जानते हैं कुछ भी काम आप करिएगा, कुछ आदमी मनुष्य के, कुछ लोगों का तो स्वभाव ही अलग किस्म का होता है। हम लोग किसी के माने कि उनके अहित में कर रहे हैं, तो हित में न कर रहे हैं भाई। अब आप अपने राष्ट्रपिता की बात को नहीं सुनिए, सोचिएगा, और काहे के लिए नहीं लीजिएगा दारू और अच्छा स्वस्थ रहिएगा। शराब पीने से ही तरह तरह की बीमारी होती है, और तो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भी, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर भी आ गया रिपोर्ट WHO का, तो एक एक को मालूम है। तो इसलिए सब चीज को देखते हुए हम करते रहते हैं, और इसलिए देख लीजिए, इसलिए तो सबको बताते हैं कि पियोगे तो क्या हाल होता है, देख लो गड़बड़ होता है, और उस पर जो एक्शन लेना है वो सब तो निरंतर जारी है। जॉब्स का वादा किया जगह गवर्नमेंट में, और अब हमने शपथ ले ली, जो पुराना प्रॉमिस था वो पूरा किया जाएगा 10,00,000 जॉब को लेकर। आप कैसे देखते हैं? ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई। बिहार में जो पहले से जो कुछ किया, जो तय किया हम लोगों ने 15-16 में, और उसके अलावे सारा काम किया, उसके बाद भी उसी को आगे उसका सेकंड फेज भी हमने 7% तक, ये सब तो करना ही है। और उसमें भी हम कहें कि अधिक से अधिक रोजगार मिले तो ठीक हो रहा है, ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा। कटौती की आशंका आपको भी है, तेजस्वी यादव। एक बात, सबसे बड़ी बात, क्या स्थिति उत्पन्न होगी, एक एक चीज सबके सामने आएगा। और आप जान लीजिए, देश चलता है संविधान के मुताबिक, और संवैधानिक प्रावधान है, केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, जो वसूली करते हैं उसमें राज्यों को क्या अधिकार है, ये सब निर्धारित है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपना ही जवाब देना पड़ेगा, हमको ये सब कुछ अभी नहीं कहना है, आगे देखेंगे तो निश्चित रूप से। आप बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है, बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदि होगा, तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके कल तक जो आपको विकास पुरस्कार था। लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन भाई एक बात हम हाथ जोड़ कर, मेरे मन में कोई बात कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता हूँ, प्रणाम करते बिहार से अभी तक कोई पीएम नहीं हुआ। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिलकर के एक साथ चले, विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिलकर के रहेंगे, लोगों को समस्याओं में बात करेंगे, समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिलकर बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे, सबकी इच्छा है। पहले ही बता दी सर, एक सवाल इस तरफ, यहाँ नेशनल अपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा, अपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे, पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह मंत्रिमंडल कैबिनेट विस्तार कब तक होगा सर? जल्दी से जल्दी होगा, जल्दी जी। आप गुजरात कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं, आप जानते हैं ना, सब लोग आपस में थोड़ा बात कर रहे हैं, और बात करके हमने कहा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, तो कल खुल रहे थे तो हमने कहा कि जल्दी होना चाहिए, अन्यथा 15 के बाद तो निश्चित रूप से तुरंत हो जाएगा। 16 को हो रहा है सर,
16 को और पहले भी हो जाता हूँ खबर एबीपी न्यूज पर हमारे पास विपक्ष के देशभर से फोन आ रहे हैं, विपक्ष के नेताओं के फोन आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए पीएम उम्मीदवारी पर बड़ा बयान दिया है, कहा है कि कोशिश करेंगे विपक्ष एकजुट हो। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि देशभर से विपक्ष के लोगों के फोन आ रहे हैं, हम सबको एकजुट करेंगे। तो बड़ी खबर बिहार के पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर उन्होंने ये बात कही है मीडिया से बात करते हुए। अब बिहार की ही बात कर लेते हैं। बिहार में सरकार बदलने के बाद एक बार सवाल सबसे ज्यादा उछल रहा है और वो है विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार कौन होगा। नीतीश का नाम उछाला जा रहा है, इस पर कांग्रेस की अब प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद नीतीश फिर से बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल उठा दिया है नीतीश की पीएम उम्मीदवारी को लेकर। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 में विपक्ष का कौन होगा, इसको लेकर के फिर से चर्चाएं शुरू हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चेहरा हो सकते हैं। खुद नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आए थे, वो ये देख लें कि 2024 में फिर से वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित साहब हैं। सर, G23 गुट से हैं आप, इसलिए रिलेवेंस ज़्यादा हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शरद यादव जी ने मुझसे कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए जिसके साथ विपक्ष साथ आ सकता है। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि वो एक चेहरा हो सकते हैं लेकिन विपक्ष मिलकर तैयार चुनेगा। आपको लगता है क्या नीतीश कुमार में वो काबिलियत है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा हों? देखो, मैं उन पर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करने की बजाय ये कहता हूँ कि मेरे हिसाब से 2024 में विपक्ष का बलशाली और इफेक्टिव चेहरा क्या हो सकता है। एक तो देखिए, अभी एक बात साफ है कि जहाँ जहाँ बीजेपी के खिलाफ की पार्टियों ने एक अच्छी तरीके से गठबंधन किया है, ज़मीनी हकीकत को समझ के टिकटें दी हैं और उसमें जोड़ तोड़ किया है, वहाँ उनको सफलता मिली है। दूसरा, या तो वहाँ जहाँ कोई ऐसा ताकतवर चेहरा रहा है, चाहे स्थानीय हो चाहे राज्य सरकारों में हो, उसने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, दोनों के आकर्षण को ध्वस्त किया है। अब इसलिए इन दोनों चीज़ों पे महत्वपूर्ण बनेगा। एक, वो व्यक्ति जो पूरे देश में गठबंधन बना सके, जैसे पहले कुछ लोग करते थे, जैसे 2004 में सोनिया जी ने किया कि महत्वपूर्ण पार्टियों को वहाँ के समीकरण को देखते हुए और सही में एक जेन्युइन गठबंधन, वो वाला गठबंधन नहीं जो नाम का हो जाता है, जैसे कुछ हमारी आजकल उत्तर भारत की पार्टियां हैं जो नाम का तो गठबंधन कर लेती हैं लेकिन ना अपना वोट ट्रांसफ़र कर पाती है ना दूसरी पार्टी का वोट उन पे आ पाता है, वो कर ले। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 3 या 4 या 5 राज्यों में, तो उसको हम न्योता दें। भाई, मैं आशीष जी ये कह रहा हूँ, समझ लो मुझे मध्य प्रदेश से टिकट मिलता है तो मैं चाहूँ ये आज जना मेरे आए, अगर मुझे राजस्थान से मिल जाता वहाँ भी मैं चाहूँ ये व्यक्ति आए, मैं तमिलनाडु से खड़ा हो रहा हूँ तो मैं चाहे मेरे कैंपेन में आए, मैं बंगाल से खड़ा हो रहा हूँ तो चाहे मेरे कैंपेन में आए। अरे, अगर आपको प्रधानमंत्री पहले से बनना है तो कम से कम 3-4-5 राज्यों में इतनी तो आपकी कुवत हो कि आप आए वहाँ तो 5,000-10,000 की भीड़ आपको सुनकर प्रभावित हो और आपके नाम से वोट दे, तब तो आप जिसको कहते हैं कि प्री अलायंस का कोई आप चेहरा बन सकते हैं। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नीतीश जी में हैं वो तो उन्हें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक बात तो है, आप बन गए मुख्यमंत्री लेकिन आप पर भरोसा, मैं तो ये सवाल पूछता हूँ, समझ लो 2014 में विपक्ष जीत जाता है, ठीक है, 2024 में समझ लीजिए जीत जाता है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मेरे को क्या गारंटी है, समझ लो हमारे 300 लोग हैं और सामने 180 बीजेपी के हैं कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना लें, किया ना इन्होंने पहले। तो आदमी का ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? उसका भरोसा तब आएगा जब इनमें सही में क्षमता हो तमाम पार्टियों को मिलजुल के एक करने की। अभी मुझे लगता है कि अगर आप व्यक्तियों को छोड़ दें, क्योंकि व्यक्ति तो ये काम कोई भी कर सकता है, अगर कोई एक पार्टी है जिसका 3 या 4 या 5 राज्यों से ज़्यादा में असर है और सही में प्रभावी असर है तो वो कांग्रेस है। हाँ, अब चेहरा कांग्रेस से आए किसी और से ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी बहुत जल्दी है इस बात को कहना। और मैं अपनी बात इस बात से ख़त्म करूंगा कि जो तमाम पार्टियों को जोड़ पाएगा, इसका मतलब है और पार्टियों का उनमें भरोसा है और ये भी भरोसा है कि इस आदमी का अगर हम नाम आगे करेंगे
तो अगर हमको 10 सीटें जीत रहे हैं तो हम 15 जीतेंगे, जहां 15 जीत रहे हैं वहां 30 जीतेंगे, तो फिर उस आदमी को किसी अगर ऐसा बड़ा कोई अलायंस होता है तो उसके पहले एज अ पीएम अनाउंस किया जाएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अनाउंस्ड पीएम के अंडर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर फिर ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करके ही इन नेताओं ने अपना ओपिनियन दिया होगा, जैसे तेजस्वी जी ने कहा कि नीतीश जी हो सकते हैं, सौगत रॉय कह रहे हैं ममता बनर्जी हो सकती हैं, तो आपको इन दोनों नेताओं में काबिलियत दिखती है कि नहीं? आ सकती है ना, देखिए अभी तो इन्होंने अपने अपने राज्यों में काबिलियत दिखाई है, राज्यों से काबिलियत और राष्ट्र के में काबिलियत में बहुत अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए ये दोनों ज़मीनी लोग रहे, इन्होंने मेरी व्यक्तिगत जो भी हो उनके बारे में, लेकिन इन्होंने 20-20, 30-30 साल अपने अपने राज्यों में संघर्ष किया, लेकिन ये दो इतने बड़े इतने सालों से इतने वर्षों से बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी आज ऐसा नहीं है कि इनको इनकी पार्टियां भी या कोई और पार्टियां भी किसी और राज्य में बुला लेती हों। भाई अगर बिहार में आप इतने साल रहे तो यूपी में कभी कभी कैंपेन के लिए बुला लिया जाए, आप बंगाल में इतने दिन रहे तो उड़ीसा में, आसाम में, बिहार में, यहाँ कभी आपको बुला लिया जाए। तो इन लोगों ने अपने इलाके में तो बहुत पकड़ बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और स्थानीय रूप में बहुत बड़े नेता हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या इन्होंने एक नेतृत्व के रूप में अपने राज्यों से आगे उठ के अपने वर्चस्व बनाया कि नहीं? अगर अगले 2-3 साल में ये लोग वो क्षमता दिखा पाते हैं तो फिर ठीक है, फिर विपक्ष बेकार से देखेगा इन लोगों की तरफ भी। राहुल गांधी आपकी पार्टी के नेता, आप 4-5 राज्यों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं कि वो एक ऐसा चेहरा, जैसा आपकी पार्टी कहती है कि राहुल गांधी हमारे पीएम कैंडिडेट और ये सभी लोग उनके साथ आएं? देखिए ये तो ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जिसका 4-5-6 राज्यों में और उससे ज़्यादा में असर है, चाहे हम नंबर 2 पे हों, चाहे नंबर 3 पे हों, चाहे नंबर 1 पे हों, कई जगहों पे हम नंबर 1 हो सकते हैं, तो वो इस कारण से हमको हमेशा दी मतलब बेसिक जो कहा जाता है दी अल्टरनेटिव बीजेपी का, वो अल्टरनेटिव तो माना जाता है, और कांग्रेस का जो भी जिसके हाथ पे भी नेतृत्व होगा, क्योंकि अभी तो सोनिया जी के हाथ में है, सितंबर में हमारे चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद क्या हम सीधे सीधे इस बात को मानेंगे कि जो हमारा अध्यक्ष चुना जाएगा वो हमारा क्या चेहरा भी होगा लोकसभा में, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष कोई होता है चेहरा कोई होता है, पार्टी में ये बात तय की गई है अभी, जिस बात से हम लोग काफ़ी लोग पार्टी में कई समय से चिंतित हैं कि हमें और कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी भी कहते हैं कि पार्टी में कौन सा चेहरा किस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, ये अगर साफ रूप में कार्यकर्ताओं को और हम लोगों को बता दिया जाए तो पार्टी की मशीन हम लोग ज़्यादा बेहतर रूप से चला पाएंगे। इसलिए राहुल जी के सवाल पर या किसी और के सवाल पर मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि पार्टी का सीनियर हाईकमांड इनमें से किसको क्या रोल देना चाहता है। अगर वो चेहरा होते हैं ये मेरा ये कि अगर कांग्रेस किसी भी चेहरे को, चाहे राहुल जी का हो चाहे किसी भी चेहरे को, साफ रूप से सामने आकर प्रेजेंट करती है तो मुझे लगता है कि वो ये, अगर इसके बीच में समझ लीजिए कोई ऐसी बात होती है कि 2 या 3 लोगों के बीच में विपक्ष अपना चेहरा चुनती है तो जो कांग्रेस का चेहरा होगा वो मेरे ख्याल से शुरू से ही फ्रंट रनर होगा। से बात करने के लिए संदीप दीक्षित साहब, जिनका कहना है कि भले ही नीतीश कुमार हो चाहे ममता बनर्जी, इनके नामों पर चर्चा हो रही है, कम से कम पीएम कैंडिडेट विपक्ष का ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका असर 5-6 राज्यों में कम से कम हो, जो सभी को एक साथ लेकर के आगे चलने की क्षमता रखता हो। कांग्रेस को भी अभी हाई टाइम ये साफ करना चाहिए कि आखिर पार्टी का नेतृत्व तो कौन करेगा और आगे चल के चेहरा कौन होगा। कैमरामैन रंजीत के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।